बंधुआ मजदूरी हमारे समाज में एक अभिशाप है, परंतु आज भी कुछ लोग इस कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सनसनीखेज वारदात है एमपी के दमोह की, जहां यूपी के ग्रेटर नोएडा में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के मजदूरों को बंधन से मुक्त कराया गया। ऐसे सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद सरकार की मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और व्यवस्था भी कटघरे में खड़ी। नहीं निकलने दिया जाता था। गए तो हम लोगों ने 2.5 महीना काम किया। 2.5 महीने के हाँ। 2.5 महीने के बाद काम करते रहे। पहले बार 500 रुपया खर्चा दिया उसने, फिर ऐसे 100-100 रुपये कर हमारा ठेकेदार देता रहा। फिर वहाँ पे काम करते करते हम लोग को गाली गुला देते रहे। फिर एक जींस को लेडीज को नहीं बाहर निकलने देते थे मार्केट के लिए, सिर्फ एक आदमी जाता था एक परिवार से। ऐसे ऐसे करते हम बहुत, फिर हमने निर्बली से शिकायत की। निर्बली ने फिर दो वकील भेजे, सिद्धार्थ और विनोद। अब नहीं तसला उठाएंगे जब टाइम हो जाएंगे तो घर नहीं जाएंगे हैं। तो ज़बरदस्ती काम कराया हम लोगों से, रो रो के काम कराया हम उन्होंने भाई साहब। हाँ, जब मजबूरी हो गई, हमारे जब पैसे मंगाने गए तो हमको रहो धमकाया, बोल के हम गुंडा बुलाएंगे, कहीं फलान बुलाएंगे, कहीं ढकान बुलाएंगे। फिर हम और नहीं सहन भाई तो फिर हमारे इतलाज कराया हम उन्होंने। आज अपने घर वापस लौटी हैं क्या? हाँ, हमें कल काम करोगे? हमने कि हम नहीं करेंगे, हम घर जाएंगे कि मरते मरते बचेंगे, अब दोबारा करेंगे तो और मार डालेंगे। पिछले 2.5 महीनों से रुपये दिया गया और मजदूरी कराते थे, और जब इन्होंने पैसे की मांग की तो पैसे के लिए टाला मोटोली करता गया। ये जानकारी वहाँ के प्रशासन को लगी तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वहाँ की सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस विभाग ने, श्रम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पे मजदूर को वहाँ से छुड़वा के भिजवाया, जिसमें से 6 मजदूर दमोह के थे जो यहाँ पे साकुशल पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर इनको सुरक्षित घर पहुँचाएंगे और इनका पहले मेडिकल करवाएंगे, और मेडिकल कराने के उपरांत इन्हें इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। बरतलाई थाना से है। इस प्रकार इनके 2 बच्चे और 4 श्रमिक जो दमोह जिले के हैं, इनको सकुशल वापस लाया गया। वहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटर नोएडा के प्रशासन का, जो उनके द्वारा यहाँ तक भेजा गया। हम लोग को सूचना दी गई, हम लोग मौके पर पहुँच के इनकी सुबह से हर घंटे की जानकारी लेते रहे, और यहाँ पहुँचने पर इनको हम मतलब इनके घर भेजने की और डॉक्टरी परीक्षण नियमानुसार जो होना है डॉक्टरी परीक्षण करा के इनको घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। संपूर्ण घटनाक्रम सहते रहेंगे।